आज हम मॉलिक्यूल्स को स्टडी करेंगे उनके 3D स्ट्रक्चर की हेल्प से कि एक मॉलिक्यूल स्पेस के अंदर एग्जिस्ट कैसे करता है। जैसे ये अपने पास इथेन मॉलिक्यूल है, तो अपने बच्चे भी एक्सप्लेन करके बताएंगे कि कौन सा मॉलिक्यूल कैसे एग्जिस्ट करता है इन स्पेस के अंदर। ठीक है, तो आप पहले ही बताइएगा मुझे टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर कौन सा है इनके अंदर। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर का हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगा? sp3। और sp3 के अंदर जो बॉन्ड एंगल हैं वो कितने आएंगे यहाँ पर? क्या होते हैं बॉन्ड एंगल, जरा मतलब बिटवीन टू बॉन्ड्स, क्या ये सारे बॉन्ड एक जैसे हैं या अलग अलग रहते हैं इनके अंदर? सारे बॉन्ड क्या रहेंगे? सेम रहेंगे। सबका बॉन्ड लेंथ क्या रहेगा भाई? सेम रहेगा। ठीक है, अगला मॉलिक्यूल आप बताइए, ट्रायगोनल प्लेनर जो मॉलिक्यूल है, ये अपने पास ट्रायगोनल प्लेनर है। ट्रायगोनल प्लेनर का हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगा? sp2 रहेगा। और sp2 का बॉन्ड एंगल क्या होगा? 120। और बॉन्ड एंगल इसका कहां से देखोगे आप लोग? हाँ, इन बिटवीन द टू बॉन्ड अगर आप देख रहे हो तो बॉन्ड एंगल आपके पास 120 डिग्री का मिलेगा। ठीक है, चलिए ऑक्टाहेड्रल मॉलिक्यूल को एक्सप्लेन कीजिए आप। इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 ऑक्टाहेड्रल, ये sf6 मॉलिक्यूल है, इसमें 90 डिग्री के 12 90 डिग्री के कहाँ कहाँ बनेंगे, जरा एक्सप्लेन करो इसको थोड़ा सा। सर ये यहाँ पे जो बन रहे हैं 90 डिग्री के बन रहे हैं, लेकिन जो ये जो सीधे बन रहे हैं ये 180 डिग्री के बनेंगे। तो यहाँ 90 डिग्री के टोटल बॉन्ड कितने बनते हैं? 12 बॉन्ड बनते हैं। और 180 डिग्री कितने बनेंगे? 3 बॉन्ड बनेंगे अपने पास। ओके, अगर अपने पास टेट्राहेड्रल के अंदर, परफेक्ट टेट्राहेड्रल के अंदर अगर कोई लोन पेयर आता है तो वो कहाँ आएगा? किसी भी शेल। हाँ, बना के दिखाइए इस मॉलिक्यूल को। अब इसका ज्योमेट्री कैसा रहा है? इसका ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल रहेगा। लेकिन अगर हम इसका शेप की बात करें तो दिखाओ ये शेप होगा कैसे? ट्रायगोनल पिरामिडल दिखेगा। और ट्रायगोनल पिरामिडल कैसे दिखेगा ये हमें शेप के अंदर, क्या हम लोन पेयर को देखेंगे या नहीं देखेंगे ये बताओ? लोन पेयर को नहीं देखेंगे तो इसको क्या कर दोगे आप? यहाँ से गायब करो। ठीक है, तो अब आपको ये जो शेप दिखेगा वो दिखेगा आपके पास ट्रायगोनल पिरामिडल। ठीक है, अगर यहां पर हम डाल देते दो लोन पेयर तब इसका शेप कैसे दिखेगा? बनाओ लोन पेयर, यहां से निकालो इनको दोनों। हाँ, तो वो लोन पेयर यहां क्यों आया, यहां क्यों नहीं आया? सारी साइड क्या रहती है? सेम रहते, तो कहीं से भी आएगा रिपल्शन क्या मिलने वाला उसको? सेम मिलने वाला भी अपने। हाँ, एक्सप्लेन करो इसको मॉलिक्यूल को। PCl5 मॉलिक्यूल है और इसमें जो हाइब्रिडाइजेशन रहती है वो sp3d रहती है। और इसके जो ये एक्सियल बॉन्ड होते हैं, एक्सियल बॉन्ड होते हैं और ये इक्विटोरियल बॉन्ड होते हैं, इक्विटोरियल बॉन्ड रहेंगे। और जो एक्सियल बॉन्ड होते हैं वो लॉन्गर होते हैं एज कम्पेयर टू इक्विटोरियल बॉन्ड से। ये यहाँ पर जो हमने पर्पल कलर से दिखाए हैं वो अपने पास एक्सियल बॉन्ड है, और जो अपने पास व्हाइट या ग्रे कलर से है वो क्या अपने पास? इक्विटोरियल बॉन्ड्स रहते हैं। इक्विटोरियल बॉन्ड क्या होते हैं? शॉर्टर होते हैं एज कम्पेयर टू एक्सियल बॉन्ड। इसका रीजन क्या रहता है? ड्यू टू द स्टेरिक रिपल्शन, रिपल्शन की वजह से। ओके, समझ में आया आप लोगों को मॉलिक्यूल्स? Yes, sir.